यह बहुमंजिला इमारत, यह स्तंभ आप जो देख रहे हैं, ये एक किसी कारणवश है। ये उस चीज को दर्शाता है कि हिम्मत जाबाजी अपने रुतबे, अपने बाहुबली शरीर से अपने राज्य को, अपनी मांग और शान को समर्पित करता हुआ हवा में झूलता हुआ, आसमानों से हवा में बात करता हुआ और बहुत बड़ी और घोर लड़ाई का एक परिणाम है। और जिसे शान से खड़े इस स्तंभ को लोग उन वीरों की बलिदान और उनकी लड़ाई में विजय होने का एक महागाथा गा रहा है, और यह है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ भारत में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ किले के भीतर स्थित एक भव्य विजय स्मारक है। इस स्तंभ का निर्माण मेवाड़ के हिंदू राजपूत राजा राणा कुंभ ने सन 1448 में सारगपुर की लड़ाई में महमूद खलजी के नेतृत्व वाली मालवा की सेना पर अपनी विजय में उपलक्ष्य में किया गया था, और इस टावर हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित है, और इसे विष्णु स्तंभ या विजय मीनार भी कहा जाता है। और मैप के कोऑर्डिनेट हम नीचे डाल दे रहे हैं कि आप उस पर दबाकर वहां पे सीधा पहुंच सकते हैं। वैसे तो वहां की नक्काशी बहुत खूबसूरत है, बहुत बारीकी से बनाया गया है, और ये भी कि ये 9 मंजिला इमारत है। चित्तौड़ के शासकों की एक विस्तृत विशावली की कई कर्मों वाली ऊपरी मंजिल में खुदा हुआ सैलाब राणा कुंभा के दरबारी विद्वान दिख जाएंगे। आत्री और उनके पुत्र हमेश को बताया गया है। वास्तुकार सूत्रधार जैता और उनके 3 पुत्रों ने नाम जिन्होंने उनकी सहायता की नपा पूजा और पोमा मीनार की 5वीं मंजिल पर खुदे हुए दिख जाएंगे। विजय स्तंभ राजपूतों द्वारा प्रचलित धार्मिक महलवाद का एक उल्लेखनीय उदाहरण है, और सबसे ऊपरी कहानी में जैन देवी प्रयागवती की छवि है। ये विजय स्तंभ उस समय को रोक कर आज हमें उस पलों की यादगार बता रहा है, कैसे हमने ये लड़ाई विजय की। और ये विजय स्तंभ उन वीरों की बहादुरी की दाद देता है जिन्होंने अपना बलिदान देकर इसे विजय बनाया, और इस विजय स्तंभ में उनकी झलक दिख जाएगी। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है कि मरने वाला कभी मरता नहीं, वो अमर है। और जैसे जैसे भारत की प्रगति हुई और समय बीतने के साथ ये विजय स्तंभ लोकप्रिय भी बहुत हुआ, और ये इसकी एक झलक है डाक टिकट।